नमस्कार, न्यूज़लाइन में आपका स्वागत है। आज की खास खबरों को लेकर मैं हूं मधु। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। बूथ लेवल ऑफिसर के साथ बीडीओ ने की बैठक। शादी से पूर्व दूल्हा फरार, प्रेम प्रसंग का था मामला। एसडीओ की अध्यक्षता में राजनीतिक दल की बैठक हुई संपन्न। आदर्श आचार संहिता की दी गई जानकारी। नव नियुक्त एसडीपीओ बने विनोद रवानी, अपराध नियंत्रण बताई अपनी प्राथमिकता। मधुपुर उपचुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। मधुपुर उपचुनाव को लेकर अनुमंडल कार्यालय में एसडीओ योगेंद्र प्रसाद ने सभी राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में एसडीओ ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी व पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए हेल्प डेस्क का निर्माण कराया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कहा कि उपचुनाव में 78 अतिरिक्त मतदान केंद्र व 5 मतदान केंद्र नए भवन में शिफ्ट किए जाएंगे। मौके पर झामुमो, आजसू, भाजपा, बसपा, सीपीआईएम, आरजेडी पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। चुनाव के दौरान अधिसूचना के साथ ही आचार संहिता लागू होने के पश्चात आपको कौन से काम करना है तो कौन से काम नहीं करना है, कुछ अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे यहाँ एक हेल्प डेस्क रहेगा, वहाँ आकर के जिस बारे में भी कोई कन्फ्यूजन हो उसकी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। ये हम लोग के यहाँ 78 एक्जिलरी बूथ बने हैं और साथ ही 5 बूथों का हमने भवन चेंज किया है, जिसकी जानकारी हम लोग को हमने दिया है। ये 5 बूथ जो चेंज हुए थे इनकी सहमति से ही हुए थे, बाकी 78 बूथ जो है वो ईसीआई के गाइडलाइन के अनुसार। शादी से पूर्व दूल्हा हुआ फरार, दुल्हन ने महिला थाना में की शिकायत। मधुपुर थाना क्षेत्र के पटवाबाद में गत 21 फरवरी को शादी से पूर्व फरार दूल्हा सहबाज समेत सहबाज के पिता, मां और भाई पर दुल्हन सहजादी परवीन ने महिला थाना में मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि सहबाज व सहजादी के बीच 2 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसकी जानकारी लड़की के घर वालों को होने पर इसकी शिकायत पंचों के समक्ष की। इसके बाद मामला महिला थाने पहुंचा, जहां दोनों की रजामंदी पर शादी की तिथि 21 फरवरी तय की गई। शादी को लेकर सहजादी के पिता ने सारी तैयारी पूरी कर ली थी, सबों को बारात आने का इंतजार था। इसी बीच खबर आई कि दूल्हा फरार हो गया। दूल्हा फरार हो जाने की वजह से शादी नहीं हुई। इसके बाद सहजादी के लिखित बयान पर महिला थाना में मामला दर्ज किया गया। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताइए तो। लड़का वाला ने बारात बोला था और अभी तक नहीं आया है, अभी तक बारात लेकर के नहीं आया, लड़का को छिपा दिया सो घर वालों, और बहुत बेइज्जती कर रहे। महिला थाना से भी केस हुआ है, वो लोग बोला आएंगे और अभी तक नहीं आए है। अगर नहीं आएगा बारात तो हम आत्महत्या कर लेंगे, अगर वो नहीं आएगा तो बारात अभी लेकर के अभी कभी हम आत्महत्या कर लेंगे, अपना खुदकुशी कर। कमेटी से भी कागज बन चुका है, कमेटी से भी कागज बन गया है, महिला थाना से भी कागज बन गया है, सब जगह से, और गजा भी था और अभी तक नहीं आया, और नहीं आएगा तो हम अपना आप क्या आत्महत्या कर लेंगे। आपका क्या नाम हुआ? सहजादी परवीन। मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर करो प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने प्रखंड के 91 बूथों के बूथ लेवल ऑफिसर के साथ की बैठक। अनुमंडल के करौ प्रखंड मुख्यालय में होने जा रहे मधुपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने प्रखंड के सभी 91 बूथों के बूथ लेवल अफसर के साथ बैठक कर अनेकों दिशा निर्देश दिए। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्वास्थ्य सहायक, निर्वाचन पदाधिकारी कुलदीप कुमार ने कहा कि सभी बूथ लेवल अफसर के आपसी तालमेल में और सहयोग से किसी भी चुनाव को सफल बनाया जा सकता है। कहा कि सभी मतदान केंद्रों में मतदान कराने वाले पीठासीन पदाधिकारी, उनके सहायक, पुलिस बल को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, साथ ही उनके आवास, उनकी व्यवस्था सही ढंग से हो, इसको लेकर सभी बूथ लेवल अफसर लग जाएं। कहा कि जहां किसी प्रकार की समस्या है उन्हें तुरंत सूचित करें।
वह हर हाल में इसका समाधान कराने का प्रयास करेंगे। कहा कि मतदान केंद्र में बिजली, पानी, शौचालय आदि की व्यवस्था का जांच कर उन्हें अविलंब सूचित करें। साथ ही कहा कि सभी बूथ लेवल ऑफिसर मतदान केंद्र के नजदीक पड़ने वाले 5 लोगों का फोन नंबर उन्हें तुरंत जमा कराएं। साथ ही मतदान केंद्र के आसपास साफ सफाई की उचित व्यवस्था कराएं। कहा कि अविलंब 80 वर्ष से ऊपर के मतदाता का सूची 24 घंटे में उन्हें सुपुर्द करें। बैठक में किशोर यादव, संतोष कुमार यादव, उदय चौधरी, अमरकांत चौधरी, सुजाता कुमारी, महेश मंडल सहित प्रखंड के सभी बूथ लेवल ऑफिसर मौजूद थे। मधुपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में विनोद रवानी ने पदभार किया ग्रहण। अपराध नियंत्रण व शांति व्यवस्था बताई प्राथमिकता। गुरुवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में नव नियुक्त SDPO विनोद रवानी ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान SDPO BN सिंह ने उन्हें 4.5 सौंपे। इस दौरान मधुपुर थाना के प्रभारी चंदन दुबे समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। मौके पर श्री रवानी ने कहा कि क्षेत्र में अपराध नियंत्रण उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मधुपुर में शांति व्यवस्था, अमन चैन कायम रहे, इसके लिए उन्हें जनता के सहयोग की आवश्यकता है। आने वाले उपचुनाव को उन्होंने चुनौती के रूप में लिया। कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें पुलिस, प्रशासन व आम लोगों की भागीदारी होगी, तभी सफलता पाई जा सकती है। और विधि व्यवस्था बरकरार रहेगी, किसी तरह का कोई भी कोताही उसमें नहीं होगी। जो भी लीगल कार्य करेंगे या अवैध कार्यों में लिप्त रहेंगे उनकी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साइबर क्राइम पर विशेष निगाह रहेगा, इस तरह की बातों को कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुचारू रूप से शांति व्यवस्था विधि का शासन चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।